अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सब ने बोला था कि हमारा डेटा अगर चला जाए, ज़ाया हो जाए, एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दें या मोबाइल खो जाए, तो फिर हमारे डेटा का क्या होगा। तो इस वजह से हमने अब इस पर क्लाउड गूगल क्लाउड स्टोरेज ऑन कर दी है। इस एप्लीकेशन में आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा। अपडेट करने के बाद आप जो है यहाँ पर आपके पास तीन बटन का ऑप्शन आ रहा होगा। एक आ रहा है इंपोर्ट डेटा और एक आ रहा है एक्सपोर्ट डेटा। एक्सपोर्ट डेटा से आपका डेटा बैकअप हो जाएगा, इंपोर्ट डेटा से आप अपना डेटा दोबारा मंगवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट डेटा एक बार कर देता हूँ। मैंने एक्सपोर्ट डेटा किया तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, इसलिए इसने बोला कि ये ऑलरेडी हो चुका है। अब मिसाल के तौर पर मेरे यहाँ 8 क्लाइंट है, मैं एक क्लाइंट और ऐड कर देता हूँ क्लाइंट 9 के नाम से। क्लाइंट 9 ऐड किया, फ़ोन नंबर दिया, ये मैं अपना ही फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। आप क्लाइंट का फ़ोन नंबर देंगे, डेट सेलेक्ट की, एड्रेस दिया क्लाइंट का, जो भी एड्रेस है, प्राइस दी, डिपॉजिट लिया है, ठीक है, बॉटल, और मंडे ट्यूसडे सैटरडे कर दिया, रजिस्टर कर दिया। इस तरह से मेरे क्लाइंट 9 भी ऐड हो गया। मैंने क्लाइंट 9 को ऐड किया, 5 बोतलें दी, ज़ीरो ली दी और ऐड कर दी। यह SMS क्लाइंट को चला जाएगा, आप यहाँ से सेंड करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आप इसको देख सकते हैं, दोबारा 5 बोतलें इस पर आ गई, 250 रुपये कंटेनर अमाउंट बैलेंस हो गया 50 रुपये के हिसाब से। अब इसमें हम कुछ काउंटर सेल भी ऐड कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर 500 और 250 हेड, ठीक है। इसके अलावा प्लांट की भी हम कुछ ऐड कर लेते हैं। ABC प्लांट में मैं गया, इसमें आज मैंने फिलिंग ऑर्डर दिया, 20 बोतलें दी, 18 ली, अमाउंट पेड मैंने 200 कर दिया, ऐड कर दिया। ये पी प्लांट वाले को, अच्छा जी, इसके बाद जो है अब हमने सिंपल इसमें करना ये है, जब भी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट डेटा करेंगे तब आपको नेट की इंटरनेट की ज़रूरत होगी, और आपने बस एक बार एक्सपोर्ट डेटा करना है, बाकी ऑटोमेटिकली जब भी उसको नेट मिलेगा तो एक्सपोर्ट डेटा वो खुद ब खुद कर देगा, आपको बार बार एक्सपोर्ट डेटा करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, जब फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ एक्सपोर्ट डेटा, ये बोल रहा है ऑलरेडी सिंक्रोनाइज हो गया आपका डेटा ना। एक्सपोर्ट का मतलब बैकअप करना, मतलब गूगल पर डेटा भेजना, इम्पोर्ट का मतलब मंगवाना, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर देता हूँ एक बार, मैंने ये एप्लीकेशन किया, ये एप्लीकेशन अब मेरी इंस्टॉल हो जाती है या डिलीट हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, या मेरा मोबाइल अल्लाह ना करे छिन जाता है, तो फिर मुझे अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा डेटा क्लाउड पर सेफ है। अब मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा इंस्टॉल करता हूँ। ये एप्लीकेशन मैंने दोबारा इंस्टॉल कर लिया। अब मैं जैसे कि दोबारा इस पर आया वाटर सप्लाई सॉफ्ट पर, तो अब ये मेरी एप्लीकेशन दोबारा से ब्लैंक होगी। मैं एक बार इसको लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड दिया, लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद अब ये मेरा डेटा बिल्कुल ब्लैंक हो गया, ना कोई कस्टमर आ रहे हैं, ना कोई काउंटर सेल आ रही है, कुछ भी नहीं है। जस्ट अब मुझे करना ये है कि मेरा इंटरनेट ऑन होना चाहिए, और मैंने कर दिया इंपोर्ट डेटा। यहाँ पे इंपोर्ट सक्सेसफुली आ गया। अब मैं कस्टमर्स पर आता हूँ, ये मेरे कस्टमर्स आ गए, ठीक है। इसके अलावा ऑल में भी यही सारी चीज़ आ गई। क्लाइंट 9 को मैंने बॉटल्स दी थी 500-250, ये उसके बदले में। काउंटर सेल भी 500-250 मैंने ऐड किया तो वो आ गया। इसके अलावा प्लांट, सारी चीज़ें, आपका बैकअप दोबारा से हो जाएगा। आप चाहे तो लास्ट जो मैंने ट्रांजेक्शन की थी वो भी आप दे सकते हैं। 18 बोतलें मैंने रिसीव की थी, 20 फिल दी थी, बैलेंस 4 हो गया था 18, और ये सारी चीज़ें मेरा बैकअप हो जाएगा। जस्ट आपको फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करना है,
फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करना है सॉरी, फिर हमेशा जब भी नेट मिलेगा आपको बार बार एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका नेट ऑन होगा वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट कर लेगा, सिर्फ इम्पोर्ट करना पड़ेगा आपको डेटा, जब अगर अल्लाह ना करे कोई मोबाइल सिम जाता है या किसी और मोबाइल पर आप यूज़ करते हो एप्लीकेशन तो इम्पोर्ट। लेकिन कोशिश करिएगा ये एप्लीकेशन एक मोबाइल पर ही यूज़ करें एक अकाउंट, क्योंकि अगर आपने ये एप्लीकेशन किसी और मोबाइल पर भी ऑन की हुई है और वहाँ भी डेटा आप ऐड कर रहे हैं नेट खुला हुआ यहाँ भी कर रहे हैं तो दोनों मिक्सअप हो जाएगा और फिर आपके लिए बाद में प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करिएगा कि ये एक ही मोबाइल पर एक ही अकाउंट लॉगिन हो, अगर आप किसी और मोबाइल पर यूज़ करना चाह रहे हैं तो पहले इसको लॉग आउट करें फिर दूसरे मोबाइल पर लॉगिन करें। थैंक यू, मज़ीद मालूमात के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है कमेंट्स में और मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।